नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा आज पर। आप देख सकते हैं हरियाणा जो रिनोवेशन चल रहा था आज वो मुकम्मल हुआ है और समर्पित किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तमाम किस किस तरह की सुविधा यहाँ पर है आप देख सकते हैं, पूरी तरह से वातानुकूलित है कहा जा सकता है, एयर कंडीशन है। और दूसरी सुविधा क्या है वो हमारी देख सकते हैं, कोई नहीं फ्री यहाँ पर गाड़ी हमारे साइड भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो पत्रकार है उसकी व्यवस्था भी की है। कहा जा सकता है कि जो लंबे अरसे से यहाँ पर कार्य चल रहा था, रिनोवेशन का कार्य चल रहा था, वो आज मुकम्मल हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने रिनोवेशन किया है, पूरा किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि रेनोवेशन का काम आज उद्घाटन किया गया है और आज समर्पित कर दिया गया है मीडिया को, क्या कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, आई आपको कुछ सुनवा। एक विषय तो ये आपके सामने बताया है, एक दूसरा विषय बताना है मैंने, ये जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज का एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी जिस संस्थान को उस पर प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब सिस्टम कराए जा सकें। क्योंकि अभी कई जगह देखा जाता है अलग अलग शहरों में कई प्रकार की शिकायतें भी आती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों को स्थान मिल नहीं पाते हैं और कुछ वो अपने रसूख से अपने मिलजुल से स्थान ले पाते हैं, रेट्स का भी कोई सिस्टम नहीं था, अब सबके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। दो प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आगे लोगों को टैरिफ कराते दिया जाएगा, एक तो फिक्स टैरिफ है जो म्यूनसिपैलिटी को मिलेगा वो 3.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट रेट, ये पैसा म्यूनसिपैलिटी को जारी किया जाएगा और जो भवन का मालिक है बाकी वो कितना लेता है प्राइवेट लैंड है, जहाँ तक सरकारी है सरकारी लैंड की सब ऑप्शन होगी उसका ऑप्शन का जो मिनिमम रेट होगा दोनों का म्यूनसिपैलिटी का भी और बिल्डिंग ओनर का भी उनका दोनों का मिला करके 4% से शुरू कराएंगे, उस 4% में भी जो 40% म्यूनसिपैलिटी को मिलेगा 60% बिल्डिंग ओनर को मिलेगा और उस ऑप्शन में जितना आगे उसका हायर रेट जाएंगे उस हायर रेट के हिसाब से दोनों की बेनिफिशियरी होंगे, बिल्डिंग ओनर भी और म्यूनसिपैलिटी भी। लेकिन लेने वालों में कंपटीशन होगा स्थान के हिसाब से उसकी लोकेशन के हिसाब से चयन कर सकते। एक तीसरा विषय आपको बताना चाहिए कि अभी जैसे बाजरा मंडियों में आ चुका है, पिछले वर्ष बाजरे उससे पिछले वर्ष पूरे का पूरा प्रक्योर किया था, लेकिन पूरा प्रक्योर करने में कई प्रकार की घटनाइयाँ आती हैं, पड़ोसी राज्यों के भी किसान या जो आड़ती या फिर व्यापारी वो उसको जहाँ ला करके बेचते हैं उसमें वहाँ रेट बहुत कम होता है, वहाँ रेट तो अगर रस्की होता है तो हम उसका बहुत करते हैं तो उसका नुकसान मिलना चाहिए तो बहुत हो गया। पिछली बार किसान भी संतुष्ट हुए थे, डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड एमएसपी वो जो है अगर उनको मिल जाता है और उनकी रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड उसके हिसाब से मिलता तो वो सब संतुष्ट होते हैं। जो रेट डिफरेंस है पिछली बार ज़्यादा था, इस बार एमएसपी 100 रुपये बढ़ने के बाद भी रेट डिफरेंस थोड़ा कम हुआ है, अभी इस समय मार्केट रेट जो बाजरे का है वो 1850 से 1950 के बीच में चल रहा है और 2350 एमएसपी, इसलिए ऑन एवरेज अगर 1900 में लगाते हैं तो 450 रुपये का अंतर पड़ता है, इसलिए आज ये घोषणा की जाती है कि उन सबको 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से अवंतर सफाई योजना भी है, फिक्स कॉस्ट रहेगी 450 रुपये ताकि वो बाजार में बेचेंगे 2000 में किसी भाव बिके और उसमें खरीदार में हैफेड एजेंसी द्वारा भी खरीदा जा रहा है, हैफेड भी लगभग 1900 रुपये के हिसाब से भी खरीद रही है, उस हैफेड जो खरीदेगी उसकी बड़ी लाइन वो दिया उसको मुझे 1900 रुपये को छोड़ के तो 450 रुपये और हैफेड के साथ हैफेड और 2350 का जो डिफरेंस है वो भी मार्केट में खरीदने के ऑप्शन से
अगर हैफेड 2000 में खरीदती है तो वो 350 एक्स्ट्रा मिलेगा। हैफेड की खरीद में किसान को पूरा 2350 पूरा किया जाएगा। आज भी कुछ सालों पर वैसे तो बारिश हुई है, लेकिन जब फोरकास्ट होती है तो किसान उससे पहले पहले काट करके मंडी में लाने की कोशिश करता है। तो 4-5 तारीख में एकदम ज़्यादा आवक हुई थी, उसमें धान की भी थोड़ा समस्या आई थी, मॉइस्चर के कारण से खरीद की भी समस्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया है और इन 3-4 दिनों में आवक भी कम हुई है और मंडियों में जो बिक्री भी शुरू हो गई और उठान भी शुरू हो गया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। आगे तो अभी कोई समय फिक्स हो पाए हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपसे मिल बैठक के जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे। सर त्योहारों का सीजन चल रहा है तो प्रदूषण ना बढ़े इसको लेकर पटाखों को जलाने को लेकर कोई समय अवधि निर्धारित की गई है? सर आज ही हमारी जो पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र सरकार के श्री मनोहर यादव जी से मैं उनकी मीटिंग से भी आया हूँ, ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ हमें हुई है और सारे प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं, चाहे वो जो अवशेष हैं पराली के रूप में जलाने की घटनाएँ न घटें। और इस बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट हमारे मिले हैं, अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएँ ही रिपोर्ट हुई हैं जिनके खिलाफ हमने FIR कैंसिल किया है। लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं, हमने उसमें जो इंसेंटिव्स हैं अलग से एक तरफ देते हैं और जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग उनको भी गौशालाओं के लिए जो अलग से खरीदते हैं उनको 500 रुपये टन अलग देते हैं। और जो इस समय IUCL का एक प्लांट जो लगा है उनको भी हम EGF के नाते से पैसा देते हैं। अभी कल ही एक टेंडर था जो पैलेट्स बनाए जाएंगे उसके लिए यूज़ के लिए 20 लाख मेट्रिक टन का एक प्रोडक्शन का टेंडर भी प्रोसेस में है, वो शुरू हो जाएगा। तो इस नाते से सब चीज़ें और इस प्रदूषण को रोकने के लिए, हवा शुद्धि करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं।